मूवी जाने के लिए डिज्नी कैसे कैसे पापड़ दे ले, ये सिर्फ मुझे ही पता है। अरे मुझे कौन परमिशन मना करने वाला है। अरे वो क्या हुआ था ना, मम्मी पापा ने ना अकेले मूवी जाने का प्लान बनाया था और मुझे वो प्लान पता चल गया और मैं भी मम्मी के सामने गई और बोल डाला कि मुझे भी मूवी चलने का है। अरे 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 दीदी कितना फेंक रही है अपने फ्रेंड लोगों के सामने, मुझे पता है सच क्या है। अरे मानेंगे कैसे, नहीं मानना ही पड़ेगा उनको मेरी बात। बस करा दे ओवर एक्टिंग। देख सीधा मम्मी के सामने गई, आंखों में आंखें डाल के सीधा बोल डाला कि मुझे मूवी आना है, मतलब आना है, बस बात खत्म। हाँ बस बात खत्म, इतना भी कोई फेंकता है क्या भला। मैंने तो देखा था तू कैसे मम्मा के पैर पकड़ पकड़ के रो रही थी मूवी जाने के लिए। मेरा कॉन्फिडेंस देख के मम्मी के पास वर्ड्स ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए। इतने कॉन्फिडेंस में तूने पूरे गांव के कपड़े धोए आज। और कैसा तुझे खाना भी बनाना पड़ा वो भी तो बोलना। देख मेरी एक बात है ना, अच्छे से समझ ले, हमेशा है ना कॉन्फिडेंस में रहने का, तब देख अपने काम कैसे फटाफट होते हैं, कोई हमें मना कर ही नहीं सकता। हम ही तो है पापा की परिया। हाँ चल अब तो फोन रख, मुझे ना मूवी जाने के लिए रेडी होना है। बाय। ये लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, ये करते कुछ और पूरी दुनिया को बताते कुछ और। अरे 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 पापा मुझे ऐसे घर के बाहर क्यों निकाल रहे हो पापा? हाँ 3 घंटे से देखो बस लेके बैठो, सो रहा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, काम भी नहीं करने दे रहा। अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, पापा ने ही दिखा दिया रास्ता बाहर का। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये दुनिया बड़ी पापी है। ए मम्मा, ए मम्मा चल खाना दे मुझे, खाना खाने का है मुझे कृष्णा भाई के साथ में। ए मम्मा पापा को तंग करके बहुत मजा आया मुझे, पापा अंदर बैठे बैठे खेजे मूवी का ट्रेलर देख रहे थे, पापा को सिर्फ मूवी चाहिए देखने के लिए। एक काम करो इधर घर में एक थिएटर खोलो तो पापा के लिए। तो आज मैं ना ये व्हाइट कलर का वन पीस पहनने वाली हूँ क्योंकि हम है ना मूवी देखने के लिए मॉल में जाने वाले हैं, तो चलो फिर मैं वन पीस पहन के रेडी हो जाती हूँ। अगर घर में है ना मूवी के लिए सबसे एक्साइटेड कोई पर्सन होगा वो तो आपको पता ही है, पापा होंगे। चलो पापा से मिलते हैं चल के। क्या कर रहे हो पापा? रेडी हो ना मूवी के लिए? रेडी है, एक हफ्ते पहले बुकिंग कर लिया था। रेडी हो जाओ ना फिर। हो जाता हूँ। मैं तो भी देखने। क्या KGF मूवी तेरे लिए नहीं है भाई। सॉरी ब्रो। सॉरी। तेरे लिए नहीं है वो, मारपीट वाली मूवी है वो, समझा? मेरे लिए। तेरे लिए नहीं है, तू देख गेम वगैरह देख जाके जा। हाँ ना क्या है? नहीं नहीं। ये लो पापा का खाना। खा लो जल्दी जल्दी जाना है हमें। मम्मी तो कब से रेडी होके बैठी है। Ha!
मम्मी ने ना आज आपके लिए चना मसाला बनाया, बताओ कैसा है। नमक गिर गया तेरे हाथ से पूरा, उसमें हद से ज्यादा नमक हो गया। पापा आज आप ये वाला टी शर्ट पहनोगे? हाँ। नहीं रे, ये ब्लैक वाला ऐसा लगता कॉलेज जा रहे। नहीं कुछ नहीं होता, मैंने पापा को ये बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट लेके दिया, फिर भी पापा ये टी शर्ट पहन के घूमते हैं। अभी आज यही पहनोगे है ना मम्मी, बोलो आप कुछ। ब्लैक पहनो। हाँ ब्लैक ही पहनना है आज। लो ये देखो, ये टी शर्ट देखो, और पापा बोलते ये हवा आने के लिए। अरे तो गर्मी में हवा आने के लिए लगता ना। हाँ देखो मम्मी है। अच्छा आप एक काम करो, लगाओ टी शर्ट। पापा तो एकदम तेजी से नीचे भाग भी गए। तो पापा आज आप कितने एक्साइटेड हो बताओ। पापा के फेस में से समझ में आ रहा है पापा आज कितने एक्साइटेड है। क्या बोली? वापस बोलो। बोले कि खुद की शादी में इतना एक्साइटेड नहीं थे। तो शादी में कोई एक्साइटेड रहता का? कितना काम रहता, मेहमानों को देखो, ये करो वो करो। हाँ उसके अंदर का एक्साइटमेंट किस बात की। तो आज है 14 अप्रैल और आज है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। तो पप्पा अभी मूवी के लिए तो हमें टाइम है, तो हम है ना यूनिवर्सिटी का एक चक्कर मार के आते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सल्यूट भी करते हैं। चलो चलो। तो ये देखो, ये आ गई हमारी यूनिवर्सिटी। करो ओपन करो। जाकर हमारे संविधान के ऑथर को एक सल्यूट कर लिया। और मूवी के लिए ना अभी बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, तो इसलिए पापा अभी फास्ट फास्ट चलो। तो मैं चल ही रहा फास्ट। पापा आज कुछ बोल नहीं रहे, बस एक्साइटमेंट में ही है ना। मम्मी आप भी एक्साइटेड हो केजीएफ के लिए? हाँ बहुत। KGF, KGF. तो बोलना पड़ता तभी लिफ्ट आती। अभी तक नहीं आई। अरे KGF लाना है हमें। KGF चैप्टर 2। वहाँ पे सामने है ना KGF का पोस्टर लगा हुआ है। चलो फोटोज क्लिक कराते हैं। आओ पापा। मेरा फोटो निकाल वहाँ पे। हाँ हाँ आओ। हथौड़ा दिखने को ना। हाँ हाँ दिख रहा है। आज है ना मूवी हाउसफुल है, और हाउसफुल में ना मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है। चलो कुछ समझ में आ रहा क्या? नहीं। क्यों? देखो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
खाने का समोसा 200 रुपए का। 200 रुपए? हाँ फिर नहीं, रहने दो। देखो खाने का 200 रुपए का समोसा। नहीं नहीं खाना है हमें। KGF मूवी हमें बहुत अच्छी लगी और पूरे 2 साल बाद हाउसफुल थिएटर में हमें बहुत मजा आया। OMG, मुझे तो मूवी एकदम जबरदस्त लगी। मम्मी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। रुको, जो एक्साइटेड थे उनसे तो पूछ लो। पापा कैसी थी मूवी? अच्छी थी ना मूवी? बहुत अच्छी थी। अभी तो चैप्टर 3 भी आने वाला है। इतनी जबरदस्त मूवी थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत पसंद आई। पहले तो है ना सब लोग थिएटर से ऐसे बाहर निकलने ही वाले थे, सब खड़े होके निकलने लगे, फिर देखा कि चैप्टर 3 भी आने वाला है, फिर सब लोग इतना चिल्ला रहे थे ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ चैप्टर 3 के लिए। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे चेहरे पे से तुमको लग ही रहा होगा कि मैं कितना दुखी हूँ। तो अभी है ना मुझसे मिलने के लिए मेरी एक छोटी सी फैन आई हुई है, चलो मैं आपको उससे मिलाती हूँ। हेलो हेलो, हाय हाय, कैसे हो आप? अच्छा, कितने क्यूट है। बहुत दिन से वेट कर रही थी। अच्छा लगता है वीडियो देखना। अभी आप भी आओगे इस व्लॉग में, हाय करो। हाय। ये लो। अरे इतनी पण तुझे साठी किटकॅट आणली। अरे बाप रे। आपको भी। थैंक यू। आपको भी। थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमको बहुत दिनों से आपको मिलना था, पर आज आपसे मिलने का मौका आया। हम 2 दिन से आपका घर ढूंढ रहे थे, आज मिल गया आपका घर। ये 1 महीने से रो रही थी आपका घर ढूंढने के लिए। आपके बर्थडे के लिए, बर्थडे को भी आना था इसको, पर घर ही नहीं मिल रहा था। अभी मिल गया ना, अभी कभी भी आ जाना, ठीक है? बर्थडे को पक्का आएंगे हम। हां अगले बर्थडे को आएंगे। यस, पक्का आ जाना। खुश है ना आता तू? ओ वाव, आज मुझसे मिलने के लिए ना डॉक्टर फैमिली आई थी। मतलब देखो ना यार, डॉक्टर लोग उनका कीमती समय निकाल के अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो ये मेरी सक्सेस है। आ गई मैं ही आ गई। चलो दीदी, हेलो, इधर आ जाओ, बैठो बैठो यहाँ बैठो। देखो ये तीनों भी मुझसे मिलने के लिए आई है। हो गई आज की एडिटिंग। आप सब लोग जब मुझसे मिलने आते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप में से भी किसी को मुझसे मिलने आना है तो आप अपने फैमिली के साथ में आ सकते हो, हमारे घर पे आपका कभी भी स्वागत किया जाएगा। तो अभी मैं चलती हूँ शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग हनुमान जयंती के लिए। बस आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। सो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ढेर सारे लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को रेड वाला बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.